आप देख रहे हैं मोशन ऑफ बंगाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट शाश्वत। आज हम हैं ऑटो बजाज श्रीरामपुर में। शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अलग जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मोशन ऑफ बंगाल फैमिली से जुड़ जाए। दोस्तों, टूरिंग के लिए हम ऑलवेज प्रेफर करते हैं एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बाइक। बजाज डोमिनर 250 टूरिंग के लिए एक परफेक्ट क्रूज़र है। डोमिनर 400 से थोड़ा अलग स्पेसिफिकेशन और फीचर्स इसमें मिल जाता है। सो गाइस, इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको इस बाइक का एक डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम इसका फ्रंट प्रोफाइल देखें तो इसके फ्रंट प्रोफाइल से एक स्टाइलिश एंड एक एग्रेसिव लुक आपको मिल जाता है। दोस्तों, इस बाइक का बॉडी ग्राफिक्स, फिनिश एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। अगर हम बात करें इसके हेडलैम्प के बारे में तो इसमें फुल्ली एलईडी सेटअप देखने को मिलता है इसके हेडलैम्प में। दोस्तों, इसके हेडलैम्प के लिए अलग से एक स्विच रखा गया है जिससे आप इसका हेडलैम्प का रोशनी बढ़ा या घटा सकते हैं। दोस्तों, इस हेडलैम्प का नाइट विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है जिसके चलते आपको अलग से कोई एक्सटर्नल लाइट लगाना नहीं पड़ता है और इसके रियर में एलईडी टेल लैम्प देखने को मिलता है और इसके फ्रंट एंड रियर में सेमी फ्लेक्सिबल टाइप एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है जो कि KTM एंड ड्यूक में यूज़ होता है। इसमें डोमिनर एंड D250 का एम्बलम 3D में यूज़ हुआ है। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और इसके टैंक के ऊपर एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिपोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, टाइम क्लॉक और बहुत सारा मॉडर्न फीचर्स इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर हम स्विच गियर कंसोल की बात करें तो कि बहुत ही प्रीमियम और डिसेंट क्वालिटी का स्विच गियर कंसोल देखने को मिल जाता है। इसके लेफ्ट साइड के हैंडल बार में हॉर्न का स्विच, टर्न सिग्नल इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम एंड पास का स्विच देखने को मिल जाता है और राइट साइड में सेल्फ का स्विच, इंजन किल स्विच और हेडलैम्प ऑन एंड ऑफ का स्विच मिल जाता है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे इस बाइक का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें 248cc का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व DOHC ट्विन स्पार्क लिक्विड कूल इंजन मिलता है जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 27 PS और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 23.5 Nm एट द रेट 6500 RPM। दोस्तों, इसमें वही इंजन यूज़ होता है जो कि ड्यूक 250 में यूज़ होता है। डोमिनर 400 में ट्रिपल स्पार्क्स देखने को मिलता है और डोमिनर 250 में ट्विन स्पार्क्स देखने को मिल जाता है और इंजन का कैपेसिटी भी मेंशन है। अगर हम इसके टायर की बात करें तो इसके फ्रंट में 100x80 सेक्शन का 17 इंच वाला ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है और इसके फ्रंट में 300mm का ड्यूल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। फ्रंट सस्पेंशन में 37mm का अपसाइड डाउन फॉक्स देखने को मिलता है। रियर में ABS सेंसर के साथ 230mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। रियर टायर की बात करें तो 130x70 सेक्शन का 17 इंच वाला ट्यूबलेस टायर मिलता है। रियर में लिक्विड नाइट्रॉक्स मोनो सस्पेंशन भी देखने को मिल जाता है जिसके चलते क्रूजिंग के साथ थोड़ा ऑफरोडिंग भी ये बाइक कर सकता है। इसमें बॉक्स सेक्शन, स्विंग आर्म्स मिलता है, कोई एलुमिनियम आर्म्स इसमें नहीं है। दोस्तों, ये सेगमेंट का सबसे हेवीएस्ट बाइक के लिए जाना जाता है। इसका वेट है अप्रॉक्स 180 kg जो कि डोमिनर 400 से 7 kg कम है। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 157 mm। इस बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें ABS इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। क्रूजिंग के साथ सिटी में भी ये बाइक बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। दोस्तों, अगर हम इस बाइक का सीट के बारे में बात करें तो इसके सीट पिलियन एंड राइडर के लिए बहुत कंफर्टेबल है। इसमें स्प्लिट सीट देखने को मिलता है जिसका क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है। ट्विन साइलेंसर के चलते इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड और भी पावरफुल सुनने को लगता है। फुटपिक्स का बात करें तो बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का फुटपिक्स आपको इस बाइक में मिल जाता है। दोस्तों, इस बाइक का व्हील बेस है 1453 mm और इस बाइक का माइलेज है 30-35 kmpl और 130-135 km का टॉप स्पीड भी मिल सकता है। दोस्तों, ये बाइक सिर्फ सिंगल स्टैंड पोस्चर में अवेलेबल है। इस बाइक के हेवी वेट के कारण ये बाइक सिटी में थोड़ा स्लो लग सकता है लेकिन सिटी या ऑफ रोडिंग के लिए ये बाइक बहुत ही बढ़िया है। ये बाइक रेड एंड ब्लैक ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है। दोस्तों, इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1,65,715 रुपीज़
और इसका ऑन रोड प्राइस है 1,92,111 रुपीस। दोस्तों ये बाइक अपना सेगमेंट का बाइक ड्यूक 250 और जिक्सर 250 से पावर और परफॉर्मेंस में थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है। आपको कौन सा बाइक अच्छा लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। स्टे सेफ, राइड सेफ। जय हिंद।